अरब देशों में लुलु ग्रुप का अच्छा खासा नाम है। इस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए लगाने का निर्णय किया है। इससे यूपी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की तरक्की में भी मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर लुलु मॉल से यही यूं ही धर्म की चाशनी बिकती रही तो फिर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ख्वाब का क्या होगा। दांव पर मुख्यमंत्री का मिशन है, जिसे देखते हुए आज लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लोकमान और मोहम्मद नोमान लखनऊ के चारों नौजवान वही आरोपी हैं जिन्होंने लुलु मॉल में एक साथ जाकर नमाज पढ़ी थी। सभी आरोपी लखनऊ के इंदिरा नगर के खुर्रम नगर के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 12 जुलाई को मॉल में नमाज अदा करने के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। लुलु मॉल के मैनेजर सिप्तीन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिनके लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया, उनको जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नुमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। लखनऊ पुलिस अपनी जांच में मॉल के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड और प्रबंधन के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। पहला खुलासा ये हो रहा है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना था। इसका आधार मॉल के सीसीटीवी फुटेज है, जिनमें ये लोग मॉल में दाखिल होते दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी ना तो किसी शोरूम में जाता है, ना ही कहीं और कुछ खरीदता है। ऐसा लगता है कि सभी बहुत जल्दबाजी में थे। सभी ने नमाज पढ़ने के लिए जगह की तलाश की। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो वो दूसरी मंजिल पर चले गए। उनमें से 6 लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए, जबकि 2 उसका वीडियो बना रहे थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने महज 18 सेकंड नमाज पूरी की और फिर वीडियो बनाने के बाद वहाँ से चलते बने। इस वीडियो को देखने के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या सिर्फ 18 सेकंड में नमाज पढ़ी जा सकती है? इसका जवाब मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सुफियान निजामी से सुनिए, जिनके मुताबिक एक वक्त की नमाज में कम से कम 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस का जो बयान आ रहा है या जो सीसीटीवी की फुटेज है उनके आधार पर ये बात कही जा रही है कि वो नमाज 18 सेकंड में पढ़ ली गई और नमाज पढ़ने वाले मॉल में दाखिल हुए, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सीधे बाहर चले गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि लुलु मॉल को जिस तरीके से एक मुसलमान शख्स के साथ उसका ताल्लुक़ है और यूसुफ अली साहब जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया है। और सूबे उत्तर प्रदेश में नहीं, नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 18 सेकंड में जिस तरीके से नमाज अदा की गई, वो कौन सी नमाज है? ये किसी भी सूरत में शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन यकीनी तौर पर अगर क़िबला रुख होगा तभी नमाज अदा की जाएगी, और अगर क़िबला रुख होकर इमाम खड़ा होगा तभी उसकी क़ियादत में नमाज अदा की जा सकती है। अगर क़िबला रुख नहीं है इमाम और डायरेक्शन क़िबला रुख इमाम का नहीं है, तो जाहिर है कि किसी की भी नमाज अदा नहीं होगी। और जहाँ तक देखने को में मिल रहा है कि इस तरीके की नमाज एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत अदा की गई। अब दूसरा सवाल भी उतना ही गंभीर है, क्या नमाज पढ़ने की दिशा सही थी? तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक नमाज पढ़ने की दिशा सही नहीं थी। भारत में नमाज हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके ही पढ़ी जाती है, लेकिन जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है उसकी दिशा गलत है। नमाज पढ़ने वाला क़िबला रुख होकर नमाज पढ़े। क़िबला यानी मक्का मुकर्रमा, जहां पूरे दुनिया के मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला जाहिर है कि पश्चिम के रुख होकर नमाज अदा करेगा, चूँकि उसका डायरेक्शन है वो क़िबले की तरफ, तभी हो पाएगा जब वो पश्चिम के रुख होकर अदा करे। इसलिए अगर इससे हटकर कहीं कोई नमाज अदा करता है या उसकी दिशा के अलावा कोई नमाज अदा करता है, तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो नमाज एक तरीके से कमिलमी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर पढ़ी जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका इरादा क्या था? पुलिस का दावा है कि लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले युवकों में से 4 की पहचान हो चुकी है। इन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए 4 युवक
मुस्लिम है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मॉल में नमाज पढ़ने की सारी गुत्थी सुलझा ली जाएगी। अब लुलु मॉल को लेकर जिस तरीके से चार लोगों को हिरासत में लिया है, षड्यंत्र की कड़ियां खुलने लगी हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्रैक करने जा रही है। फिलहाल कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। इनमें से एक ये है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सांप्रदायिक माहौल को खराब करना था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना से यूपी में निवेश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।